हाई बन वाली हेयर स्टाइल कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती। आप इसको डेली डाल सकते हो, ऑफिस में, पार्टी में, शादी में, कोई भी इवेंट में ये अच्छी लगती है, सब पे सूट करती है, सबसे आसान है और सबसे अच्छी बात बहुत स्टाइलिश लगती है और गर्मियों के सीजन के लिए तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हेयर स्टाइल है। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिंपल हाई बन टेक्निक जो आप विथ डोनट और विदाउट डोनट दोनों डाल सकते हो। इसे आप डोनट की स्टफिंग भी समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने बालों की एक पोनीटेल डाल लें। इसके लिए या तो आप कोम कर सकते हो, अगर आप नीट बन चाहते हो तो आप कोम यूज़ करो, क्योंकि मुझे मेसी वाला थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं कोम नहीं कर रही हूँ। और ऐसे ही अपने बालों को पूरा गैदर कर लीजिए और एक रबर बैंड से अपने बालों की एक पोनीटेल डाल दीजिए। जितना हाई आप अपना बन चाहते हो उतना ही हाई अपनी पोनीटेल बनाओ। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा वाला डोनट यूज़ कर रही हूँ। ये डोनट 30-40 रुपए में आपको आसानी से ब्यूटी शॉप पे मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो विदाउट डोनट वाली हेयर स्टाइल भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं डोनट यहाँ इस तरीके से अपने पोनीटेल में डाल रही हूँ। अब इसको आप यू पिन से सिक्योर कर लीजिए ताकि ये जो डोनट है वो आपके बालों में टिका रहे, जुड़ा रहे। अब अपने बालों को पूरा इस डोनट पे स्प्रेड कर लीजिए ताकि आपके बाल इवनली स्प्रेड भी हो जाए और आपका डोनट भी छिप जाए। जब आपको लगे कि आपके बाल अच्छे से इवनली स्प्रेड हो गए हैं तो फिर से एक रबर बैंड लेके इस डोनट के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। अब अपने बालों को स्लाइटली हर तरफ से थोड़ा थोड़ा पुल कीजिए। इससे आपका डोनट फ्लफी और वॉल्यूमिनस दोनों दिखता है। अब जो बाकी के बचे हुए बाल है उसको दो हाफ्स में डिवाइड कीजिए, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में। अब ये वाली हेयर स्टाइल में इन दोनों की हम रोप ब्रेड बनाएंगे। इसके लिए आप इसके एक हाफ को ऐसे दो सेक्शन में डिवाइड कीजिए और दोनों को ट्विस्ट कीजिए। अब इसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए, इससे ये वॉल्यूमिनस, मेसी, फ्लफी सब दिखता है। अब इसको अपने डोनट के अराउंड रैप कर दीजिए और फिर कुछ यूपिन्स लेकर इसको सिक्योर कर लीजिए। यहाँ पे आप यूपिन्स और बॉपिन्स दोनों यूज कर सकते हो। अब इसी तरीके से दूसरे हाफ का भी रोप ब्रेड बनाओ, उसको थोड़ा सा लूज करो और फिर से इसको डोनट के अराउंड रैप कर दो। अब सामने से अपने बालों को थोड़ा सा पुल कर लो ताकि आपके बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे। पीछे से भी आप उसको थोड़ा सा पुल कर सकते हो, थोड़ा सा लूजन अप करो, मेसी लगता है, अच्छा लगता है। और ये हुआ आपका पहला हाई बन हेयर स्टाइल। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो, जहां पे हमने ये रोप ब्रेड बांधा था उसी जगह पे आप ये नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड डाल सकते हो, जो हम नॉर्मल चोटी डालते हैं वैसे इन दोनों की आप चोटी डाल सकते हो और इसको थोड़ा सा लूजन कर दीजिए ताकि थोड़ा सा फ्लफी दिखे, मेसी भी दिखना चाहिए, अच्छा लगता है। और फिर इसको आप अपने डोनट के अराउंड रैप कर सकते हो। और इस हेयर स्टाइल के लिए मैंने छोटा वाला डोनट यूज किया है तो इसलिए इसका साइज थोड़ा सा छोटा है पहले वाले से। और इसको रैप करने के बाद फिर से कुछ यूपिन से इसको सिक्योर कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पे आप बॉपिंस की भी यूज कर सकते हो। और ये हो गई आपकी दूसरी हाई बन टेक्निक। बन बनाने के लिए अगर आप डोनट का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपका बन बड़ा भी दिखता है, फुलर दिखता है और खूबसूरत भी लगता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप डोनट यूज करो, लेकिन अगर आपके पास डोनट नहीं है या आप नहीं ले सकते तो आप बिना डोनट के भी ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए बस अगर आपके पास ऐसा कोई बड़ा रबर बैंड होगा तो वो यूज करें। पोनी टेल डालते वक्त आप ये रबर बैंड से अपने बालों की एक पोनी टेल बनाएं और फिर अपने बालों को इस तरह से पूरा स्प्रेड कर लीजिए। ऐसा अज्यूम करें कि आपने नीचे डोनट लगाया है और फिर एक रबर बैंड लेकर इसको अपने बालों के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए जैसे आपने कोई डोनट लगाया हो। जो नीचे ब्लैक कलर का रबर बैंड है उसको आप डोनट अज्यूम कर सकते हो और आपका जो ब्लैक वाला रबर बैंड है वो पहले वाले रबर बैंड के नीचे जाना चाहिए। अब अपने बालों को स्लाइटली पुल कीजिए इस तरह से, सब तरफ से इक्वली पुल कर लीजिए। यहाँ पे आपको डोनट की जरूरत नहीं पड़ी है। और उसके बाद में जो बाकी के बचे हुए बाल है उसको आप अगेन दो हाफ्स में डिवाइड कीजिए। अब इस बार मैं क्या कर रही हूँ, एक बार हमने रोप ब्रेड बनाया, एक बार हमने 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनाया, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको ऐसे ही डायरेक्टली रैप कर रही हूँ अपने डोनट या अपने जो बन है उसके अराउंड। तो ये भी आप कर सकते हो, जो बचे हुए बाल है उसको सिंपली अपने बन के अराउंड रैप कर लीजिए और फिर इसको अच्छे से यूपिन से सिक्योर कर लीजिए। अगेन फ्रंट में से आप अपने बालों को थोड़ा सा पुल कर लीजिए वॉल्यूमिनस दिखाने के लिए। कुछ साइड से अगर आपको बाल निकालने हैं थोड़े बहुत वो निकाल दीजिए
तो ये हो गई आपकी थर्ड हाइबन टेक्निक। सो गर्मी और पसीने से बचने के लिए, एट द सेम टाइम स्टाइलिश दिखने के लिए आप ये हाइबन टेक्निक ट्राई कर सकते हो। और ये सिंपल हाइबन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर करना और इसे ट्राई करना अपने घर पे, और आपके ऊपर ये कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।